हैदराबाद रेप हत्याकांड और उन्नाव हत्याकांड को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। इसी बीच शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा की महिला सांसदों ने राहुल गांधी को जमकर घेरा, बल्कि माफी मांगने पर अड़ी रही। इस दौरान भाजपा की महिला सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। झारखंड की रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान बलात्कार की राजधानी बन गया है। इस पर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई महिला सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया की तुलना रेप इन इंडिया से की थी। स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी खानदान के सदस्य ने कहा है कि महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। देश में हर कोई बलात्कारी नहीं है, जो बलात्कारी है उसे कानून सजा देता है। हर महिला को कलंकित नहीं किया जा सकता है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की महिलाएं उनकी बपोती नहीं है। रेप इन इंडिया का बयान देने का राहुल ने दुस्साहस कैसे किया? उन्होंने स्पीकर ओम बिड़ला से कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल खुलेआम कह रहे हैं कि रेप इन इंडिया, तो क्या वो दुनिया को भारत में आकर बलात्कार करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि जो सदस्य इस सदन का नहीं है उसका नाम नहीं लिया जा सकता। दरअसल राहुल गांधी ने गुरुवार को झारखंड की मेहराना रैली में मोदी सरकार पर हमला बोला था। राहुल ने कहा था कि देश में नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, अब जहां भी देखो वहां मेक इन इंडिया नहीं बल्कि रेप इन इंडिया है। अखबार खोलो तो झारखंड में महिला से बलात्कार, यूपी में नरेंद्र मोदी के विधायक ने महिला का रेप किया, हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया। इस बयान पर जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई। हालांकि राहुल गांधी के बयान पर सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।